नमस्कार, जेल के मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंस नागो के। पूरे विश्व की नजरें आज भारत पर लगी थी। प्रजातंत्र को और मजबूत करने के लिए नया आयाम भारत ने दिया है और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कमान थी नरेंद्र मोदी जी के पास जैसे 2014 में थी। जेल के मीडिया में हम बात करेंगे जम्मू लद्दाख कश्मीर की, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टियां ने यहां भी जबरदस्त अपना परचम लहराया है और पिछले साल 2014 के चुनाव में जो उन्होंने 3 लोकसभा की सीटें जीती थी, तीनों इस बार भी जीती हैं। 2014 के मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ अधिक उन्होंने वोट लिए हैं। आप अंदाजा लगाएं, पिछली बार थुपसिंग चेम्बांग लद्दाख से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे मात्र 35 वोटों से जीते थे, इस बार सैकड़ों वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार जो थे जमयांग त्रिसिंग नामग्याल, वो बड़ी रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते हैं। बात अगर हम करें देवक नगरी उधमपुर कठुआ जो जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुनः यहां पर चुनाव लड़े हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां बहुत रिकॉर्ड तोड़ मत लगभग 6,85,000 के करीब वोट लिए हैं और महाराजा करण सिंह के सपुत्र विक्रमादित्य जो कई बार पार्टी बदल कर एक बार कांग्रेस में आए वो करीब 3,57,000 वोटों पर सीमित रह गए। मंदिरों के शहर की अगर बात करते हैं, जुगल किशोर शर्मा ने फिर दोबारा जम्मू पुंछ लोकसभा की सीट पर कब्जा किया है। लगभग 7,20,000 से अधिक उन्होंने वोट लिए हैं और कांग्रेस के रमन भल्ला ने लगभग 4,57,000 के वोट। यहां पर शेर डुगर प्रोफेसर भीम सिंह भी खड़े थे, वो मात्र 3,118 वोट लेकर सीमित हो गए। जम्मू डिवीजन की इन 2 लोकसभा की सीट में बने थे, इसमें नया आयाम दिया था चौधरी लाल सिंह ने, 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे मगर उन्होंने जम्मू में 6,093 वोट लिए और उधमपुर में इससे उन्होंने काफी कम वोट लिए थे, 3,118। बात अगर हम कश्मीर घाटी की करें तो तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना परचम लहराया है। स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव श्रीनगर से जीत गए हैं। जनरल हसन मसूदी जो हैं वो न्यायमूर्ति थे, वो अनंतनाग से जीते थे और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे विधानसभा में श्री अकबर लोन ने लगाए थे वो जीते हैं नॉर्थ कश्मीर से। वहां पर जरूर इंजीनियर रशीद जो निर्दलीय हैं और एमएलए भी थे, उन्होंने अच्छी खासी टक्कर उनको दी है। ये बात तय होगी कि कांग्रेस और पीडीपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। आने वाले जब भी विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, बहुत बड़ी विपत्ति का सामना पीडीपी और कांग्रेस को करना पड़ेगा। फिर भी देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या प्रभुत्व करती है।